नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, आज आ पहुंचा हूं जम्मू जिले में। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। आज पश्चिमी सभ्यता को भूल कर लोग 14 फरवरी को उन शहीदों को याद कर रहे हैं जो पुलवामा में अपने देश पर मर मिटे थे। लोग दूसरे जगहों पर जो पश्चिमी सभ्यता को लगातार अपनाकर अपने ही देश में उन लोगों को जो अपने देश पर निछावर होते हैं उन्हें भूलने का काम कर रहे हैं, तो आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ आशा पायल फाउंडेशन के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहूंगा कि आखिर वे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि कुछ लोग पश्चिमी सभ्यता में ही आज भी लगे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि आखिर वे समाज को क्या संदेश देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों से उनका शुभ नाम जानूंगा और उनसे जानूंगा कि समाज को वो क्या मार्गदर्शन देंगे। सर, मैं सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मैं डॉक्टर एसएन झा। आज तमाम लोग पश्चिमी सभ्यताओं को अपनाने में लगे हैं और ऐसे में आज जो फाउंडेशन है उनके तहत आज आप आकर के उन शहीदों को नमन कर रहे हैं, तो समाज को क्या संदेश देना पसंद करेंगे? देखिए, पश्चिमी सभ्यता को यूं ही हम लोगों ने बदनाम कर दिया है। सब कुछ तो हम लोग धीरे धीरे अपनाते ही हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठना, टीवी देखना, प्रेशर कुकर यूज़ करना, मॉडर्न गैजेट्स यूज़ करना, और पश्चिमी सभ्यता को जिस रूप में आप लोग देखते हैं उस रूप में है नहीं। वो ऐसा नहीं है कि बिकनी पहन के घूमना ही पश्चिमी सभ्यता है। उनकी नज़रों को देखिए कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई विस्लिंग नहीं होती है, वहाँ छेड़खानी नहीं होती है। उसकी वो सभ्यता है कि बिकनी में भी लड़कियाँ हैं तो कोई छेड़छाड़ नहीं करता है वहाँ, और न तो कोई एकदम आग गड़ा के देखता है। और ये वैलेंटाइन डे सेंट वैलेंटाइन के नाम पर है ना, और ये लड़के लड़की के बीच में मोहब्बत का दिन नहीं था। ये पूरी मानव जाति के प्रति प्रेम का था। वो संत थे और उन्होंने उसको किसी ने यूज़ किया। अफकोर्स लड़के लड़की के बीच का प्रेम भी प्रेम ही है, और चूंकि प्रकृति में प्रेम का महत्व है और इसे आदर्श जानते हैं। फूहड़पन को खराब कहते हैं, लेकिन प्रेम को तो कभी कृष्ण ने भी खराब नहीं कहा, न राम के समय में खराब हुआ, कभी नहीं हुआ। तो पश्चिमी सभ्यता में मानवतावाद जो है उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। हम लोग उसके डिस्को डांस को पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, जबकि डांस उनका कल्चर है। जैसे यहाँ बिहू डांस होता है, बंगाल में डांस होता है, तो उसको यूरोप में भेज दिया और उसको कहे कि नहीं, पूर्वी सभ्यता है बहुत। जी मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज का डे ब्लैक डे क्यों मनाया जाए? मैं प्रमिला देवी, मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ का प्रभारी हूँ बिहार और झारखंड की। आज ब्लैक डे हम लोग ने एक प्लानिंग कर लिया कि आज के दिन ही 2019 को जो हमारे लोग शहीद हो गए थे, तो आज 14 तारीख को वैलेंट डे ना मनाकर हम उनकी शहादत में ही श्रद्धांजलि करेंगे, जो कि हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को न्यौछावर किए हैं और अपने पूरे परिवार का करके, अपने पूरे परिवार को त्याग करके हम लोगों के लिए वो अपना जीवन जिए और मृत्यु को प्राप्त किया। हम लोग सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की महिलाएं और पायल फाउंडेशन की जितने भी सदस्य हैं, मैं सबको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज के दिन हम लोग जो कार्यक्रम रखे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर सभी लोग हिस्सा लिए, और एक समाज में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि अगले बार से जब भी अगले साल जो 14 फरवरी आएगा उसमें इससे भी ज़्यादा लोग जाने कि हमें श्रद्धांजलि जरूरी है, ना कि वैलेंट डे मनाना। देखिए, मैं वैलेंट डे के बारे में बात नहीं ज़्यादा करूँगी क्योंकि वो होता है, लेकिन आजकल के बच्चे जो उसको कुरूप रूप दे दिए हैं, कुरूप प्रेम और कहानियाँ बहुत पहले से चली आ रही हैं, लेकिन अभी उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से बच्चों ने अपना रूप दिया है। गार्जियन कितने जिम्मेदार हैं वो तो गार्जियन ही समझेंगे, माता पिता समझेंगे अपने बच्चों के लिए कि हम कितना जिम्मेदार हैं। कहीं कहीं देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ और प्रत्येक घर, बहुत सारे ऐसे घरों में, मोहल्लों में, जिलों में, आप जो भी कहिए, कई जिलों में मैं जाती हूँ,
कई राज्य में भी मैं भ्रमण करती हूँ इस बारे में समाज को लेकर के, तो मैंने देखा है कि कई जगह माता पिता भी बच्चों को बढ़ावा देते हैं और उन्हें ये नहीं बताते हैं फैशन क्या है और हमें किस तरह रहना है। मेरी सभ्यता जो है हम उसे अपनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम डॉक्टर एम एस परवाज है, हम समाज सेवी हैं, सर डॉक्टर भी हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी डॉक्टर सिंह झा ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, मगर एक बात सोचने की बात है कि अगर मान लिया कि अगर मेरा बाप भिखारी था तो हमें भीख मांगना जरूरी है, ये कोई बात नहीं है। हमारी कल्चर, हमें अपनी कल्चर को अपने सुधारना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आज पायल फाउंडेशन ने कदम उठाया और ये कदम उठाया कि आज के दिन हम ब्लैक डे मनाएंगे, कुछ लोग वैलेंटाइन डे भी मना रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि सोच को कन्वर्ट करना पड़ेगा। शायद आपको पता है कि नहीं, आज माता और पिता का भी मातृपितृ पूजन ये आज की डेट है। हमें नहीं लगता है कि ये हाईलाइट होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए। अगर मोहब्बत करना है तो क्यों नहीं माँ बाप से करें, माँ बाप से क्यों नहीं करें, वो भी तो समझ ले कि अगर लव करना हो तो माँ बाप से लव करें। मगर बच्चों और बच्चियों को आज हम अपने ही अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। और पश्चिमी सभ्यता, जहाँ तक सवाल है कि उसके सवाल आपने जो किया है वो बहुत दुरुस्त है कि पश्चिमी सवाल की मतलब, पश्चिमी ये के मतलब क्या है कि हमारी कल्चर, ये कल्चर मेरी नहीं है, ये पश्चिमी कल्चर है। हमारी कल्चर, हमारी माँ और बहन जब साड़ी पहनकर सामने आती हैं, पूरी बदन ढका रहता है, तो ये मेरी पूरी भारत की संस्कार दिखती है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम अपने बच्चों को अपने वैसे कपड़ा पहनाते हैं, आज घटनाएं घट रही हैं, इसके ज़िम्मेदार भी हम ही हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि नम आँखों से, चूँकि वो दिन हमें याद है कि भूले भूल नहीं जा सकता कि इन शहीदों ने अपनी, चूँकि मैंने 11 साल तक लगातार CRPF 215 SSB के साथ जिंदगी गुजारा है और मैं समझता हूँ कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे कैसे रहते हैं। एक टीन के ये पर वो इतनी टीन तपती है और वो तपती है और उस पर नीचे सोते हैं। कभी कदार हम लोग जाकर उसमें SSB के जो क्वार्टर होता है उसमें जाके हम लोग विचारी और निवाली डालते हैं। तो ये तो सही बात है। और मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि वैसे वीरों को आप व्यवस्था दीजिए। आप ये सोचने की बात है, एक MLA और एक MP का जो खर्चा गिरता है वो बहुत बड़ी खर्चा गिरती है। क्या वैसे उसको समझ लिए कि मोबाइल की खर्चा मिलती है, सब कुछ मिलता है, क्या उस जवानों को नहीं मिल सकता है कि जो रात को रात जागकर और अपनी समझ लिए कि देश की रक्षा करते हैं? तो कहीं ना कहीं मैं अपनी सरकार को भी दोषी ठहराऊंगा। भारत की संस्कार दिखती है, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम अपने बच्चों को अपने वैसे कपड़ा पहनाते हैं, आज घटनाएँ घट रही हैं, इसके ज़िम्मेदार भी हम ही हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि नम आँखों से, चूँकि वो दिन हमें याद है कि भूले भूल नहीं जा सकता कि इन शहीदों ने अपनी, चूँकि मैंने 11 साल तक लगातार CRPF 215 SSB के साथ जिंदगी गुजारा है और मैं समझता हूँ कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे कैसे रहते हैं। एक टीन के ये पर वो इतनी टीन तपती है और वो तपती है और उस पर नीचे सोते हैं। कभी कदार हम लोग जाकर उसमें SSB के जो क्वार्टर होता है उसमें जाके हम लोग विचारी और निवाली डालते हैं। तो ये तो सही बात है। और मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि वैसे वीरों को आप व्यवस्था दीजिए। आप ये सोचने की बात है, एक MLA और एक MP का जो खर्चा गिरता है वो बहुत बड़ी खर्चा गिरती है। क्या वैसे उसको समझ लिए कि मोबाइल की खर्चा मिलती है, सब कुछ मिलता है, क्या उस जवानों को नहीं मिल सकता है कि जो रात को रात जागकर और अपनी समझ लेके देश की रक्षा करते हैं? तो कहीं ना कहीं मैं अपनी सरकार को भी दोषी ठहराऊंगा और सरकार को कटघरे में हम लेंगे। क्योंकि आज जाकर सर्वे करने की बात है, देखने की बात है कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके यहाँ टेबल नहीं है, कुर्सियाँ नहीं हैं, रात रात भर गाड़ियाँ समझ लेकर कि ये करके जब जंगल में घूमते हैं, बहुत अफसोस लगता है, बहुत अफसोस दिखने को लगता है। मैं चाहूँगा कि कितनी भी अभी महिलाएं फ्रंट लाइन में आया है, ये कितनी महिलाएं चक्कर लगा रही हैं अपने शहीद के पैसे के लिए, ग्रेचुटी के लिए, आज तक नहीं मिल रहा। तो मैं सरकार को से यही निवेदन करूंगा
कि उनके बाल बच्चों का भी ख्याल रखा जाए, वो लोग शहीद हो गए उनके घर संसार। मैं कुटी कुटी धन्यवाद देना चाहूँगा इनायत खान का कि जिन्होंने टिल टुडे इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही है वो बच्ची जिसको समझ लिया उन्होंने गोद लिया है, वो बधाई के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इनामुल हक मेगनू जो अपने समझ लिए कि पत्नी को धन्यवाद दिए और कहेगा कि तुमको दो बच्चा लेनी चाहिए थी, मैं बधाई देना चाहूँगा। अभी आपने सुना कि इस तरीके से अपने देश के जवानों के प्रति लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही इन लोगों का कहना है कि आज का दिन मैं ब्लैक डे के रूप में मनाऊंगा। मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी वसीम अकरम के साथ।